सर नमस्कार दोस्तों। सो गाइस, ये फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो एडिट करना आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका फुल ट्यूटोरियल दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। इसको मैंने दो तरीके से बनाया, ठीक है। तो मैं एक रफ आइडिया में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं 8 पार्ट बना चुका हूं, ये 9वां पार्ट है। 8 पार्ट का ट्यूटोरियल आप जाके देख सकते हो। मेरी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हो, ये सारी एडिटिंग की फोटो का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर उन 8 पार्ट का आप ट्यूटोरियल देख सकते हो। सो गाइज, चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक करके एडिट फोटो पे आप चले जाना, फिर इस बैकग्राउंड को आप चूज़ कर लेना। आप फिक्र मत कीजिए, इस बैकग्राउंड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। फिर इसको ऐड करने के बाद आप इसके एडजस्ट पर जाएंगे तो इसका टेम्परेचर 100 कर देना, ठीक है। 100 करने के बाद थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस वगैरह हल्का सा क्लियर करना, ओके करना। ओके करने के बाद सिंपली जाना ऐड फोटो पर। एड फोटो पे आपको अपना PNG वाला फोटो ले लेना है, इसका बैकग्राउंड अरेज करके। अगर आपको बैकग्राउंड अरेज करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये वाली वीडियो आप देख सकते हो जो मैं बना चुका हूँ। ये वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हो कि बैकग्राउंड कैसे अरेज करना है, ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो। सो इस फोटो को आपको सेट करना है, फिर इसके एडजस्ट पे जाके इसका टेम्परेचर भी 100 कर देना है, ठीक है। सेचुरेशन वगैरह और हाईलाइट वगैरह हल्का सा कम करके इसको सेट करना है और ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ा देना है। आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, सेम यही तरीका आपको आजमाना है, यही तरीके से आपको करना है, अदरवाइज आपकी फ़ोटो ठीक से सेट नहीं हो पाएगी। ध्यान से देखना स्टेप बाई स्टेप क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। इसकी ब्राइटनेस वगैरह हल्का सा सेट कर देना। आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, यही तरीके से आपको करना है। ये सब सेट करने के बाद ऊपर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टिकर और फोटो का काम है, पर आपको ओके करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करके ही स्टिकर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, जोम्बी सर्च कर लेना है। जोम्बी सर्च करोगे तो कई सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। ये वाला जोम्बी का फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हो, जो वाला मैंने लिया है, ये वाला आपको स्टिकर ले लेना है। स्टिकर लेने के बाद इसको यहाँ पर सेट करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देना है और इसका टेम्परेचर 100 कर देना है एडजस्ट पे जाके, जिस तरीके से मैंने पहले फ़ोटो का किया था, ठीक है। इसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस वगैरह देख लेना, अगर आपकी फ़ोटो के अकॉर्डिंग नहीं बैठे तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बाकी जो मैं तरीका अपना आजमा रहा हूँ वही तरीके से आप करना। इसकी ओपेसिटी हल्की सी ओपेसिटी जो है कम रख लेना, इसके बाद ओके करना, फिर स्क्रीन पे क्लिक करना, फिर स्टिकर पे आपको जाना है। फिर जोम्बी आप क्लिक करोगे तो जोम्बी के यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ऊपर ये वाला आपको ऑप्शन चूज़ कर लेना है। ऑप्शन आप जैसे ही इसको चूज़ करोगे, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेना और ऊपर लेयर पर क्लिक करके मूव अप कर लेना, ठीक है, और मूव डाउन कर लेना, तो ये आपके PNG के पीछे चला जाएगा, तो आपको उसको सेट करने में दिक्कत नहीं होगी। इसको इस तरफ सेट करके इसकी ओपेसिटी बहुत कम कर देना, बहुत ज़्यादा कम नहीं, 50 के आसपास रहे ताकि पीछे ब्लर मालूम हो। इसके बाद आपको फिर स्क्रीन पे क्लिक करना है और स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद फिर से स्टिकर वाला ऑप्शन आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। स्टिकर वाला ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पर फिर से आपको जोम्बी सर्च करना है। जोम्बी के कई सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए, ये वाला आपको स्टिकर ले लेना है, जो वाला मैंने लिया है अभी, ठीक है। इसको यहाँ पर क्लिक करके ऊपर लेयर पर इसको भी मूव अप और मूव अप डाउन करके देख लेना, जो PNG के पीछे को चला जाए, ठीक है। ये मैंने कर लिया, आप देख सकते हो उस तरीके से मैंने कर लिया है। तो इसका एडजस्टमेंट आप बहुत अच्छे से करना क्योंकि यही जो है यहाँ पर इसकी शेडो वगैरह है मालूम पड़ती है, तो ये अच्छे से एडजस्ट नहीं होगा तो ये फेक लगता है, इसलिए इसका एडजस्टमेंट आप अच्छे से करना और ब्लेंड करके देख लेना। अगर ब्लेंड हो रहा हो तो ठीक, ये मैंने ब्लेंड किया लेकिन ये ब्लेंड हो नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको नन करके इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर देता हूँ। आपको फिर से स्क्रीन पर क्लिक करना है, ओके करने के बाद फिर स्टिकर वाले ऑप्शन पर चले जाना है आपको, ठीक है। पहले इसकी ओपेसिटी कम जरूर कर लेना और इसका टेम्परेचर भी 100 कर देना, ये वाले स्टिकर का जो अभी हमने लगाया है जोम्बीज का, ठीक है। ओके करना, ओके करने के बाद फिर आपको क्लिक करना है स्टिकर पे। स्टिकर पे ऊपर सर्च बार आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सर्च बार में आपको फायर ब्लास्ट सर्च करना है। फायर ब्लास्ट जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो ये वाला स्टिकर आप ले लेना है, इसको पहाड़ के इस तरफ पे सेट कर देना, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर देना और साइज़ भी इसका थोड़ा सा छोटा रखना, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं रखना क्योंकि फिर फेक लगता है, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप देख लीजिए। फिर से आपको स्टिकर पे करना है, फिर ये दूसरा वाला फायर ब्लास्ट का जो है स्टिकर ले लेना है, इसको यहाँ पर सेट कर देना, इसकी लंबाई चौड़ाई भी थोड़ा सा बढ़ा लेना घटा लेना और इसकी ओपेसिटी कम जरूर कर देना, ठीक है।
आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और ब्लेंड करके आप ज़रूर देख लेना, अगर ब्लेंड हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आप इसको नन करके इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, उतने में ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको सेट कर लिया है, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद फिर से आपको इसकी स्टिकर पे जाना है, पहले इसकी ओपेसिटी कम कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, अब आपको जाना है फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पे। स्टिकर वाले ऑप्शन पे आपको ऊपर सर्च करना है, जो मैंने सर्च किया है गन, गन पे आप सर्च करोगे तो बहुत नीचे स्लाइड करना, तब जाके आपको ये रॉकेट वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, रॉकेट वाला स्टिकर मिलेगा, ये रॉकेट लॉन्चर जो आप देख रहे हो नीचे स्लाइड करते हैं ना, बहुत नीचे मिलता है ये। ठीक है, फिर इसको जो है घुमा के एडजस्ट कर लेना अपने हाथ पे। ठीक है, अगर आपका हाथ इस तरीके की फ़ोटो नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग गन वगैरह कुछ भी सेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको रॉकेट ही सेट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग जो आपको फिट बैठे वो आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो मैंने ये वाला रॉकेट वाला लिया है, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर, तो इसको मैं ओके करके इसको पहले साइज़ वगैरह जो उसकी सेट कर लेता हूँ, फिर इसको ऊपर इरेजर पे जाना है आपको। ठीक है, ऊपर इरेजर लिखा है, इरेजर पे क्लिक करना, फिर यहाँ के हैंड पे इसको इरेज कर देना, ताकि जो हाथ में पकड़ा हुआ मालूम हो कि लॉन्चर हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसको इरेज कर लेना है, ऊपर ऊपर वाला, ठीक है, साइड साइड वाला रहने देना है, बस ऊपर हाथ के ऊपर जितना भी आए उसको इरेज कर देना है। सिंपली इरेज करने के बाद इसको ओके कर देना है। आप देख सकते हो मैंने इरेज करके ओके किया, ये किस तरीके से आपका मालूम हो रहा है। इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर देना और इसका टेम्परेचर भी 100 कर देना। ठीक है, सिंपली इसको आप ओके कर देना, ये आपका लॉन्चर सेट हो गया। अब आपको जाना है फिर से स्टिकर पे, स्टिकर वाले ऑप्शन पे आपको सर्च करना है ब्लड। ठीक है, ब्लड आप सर्च करोगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग कोई भी ब्लड का स्टिकर ले लीजिए। जैसे एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, मैं एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको बस समझ में आ जाए इसीलिए। ये ब्लड का स्टिकर लिया है, ये मैंने अपनी टी शर्ट पर लगा दिया है। ठीक है, ये आप भी अपनी टी शर्ट पर अकॉर्डिंग कोई भी ब्लड का स्टिकर लेकर उसको चिपका सकते हैं वहाँ पर। फिर इसके बाद ओके करने के बाद फिर से आपको ब्लड वाला एक और लेना है, जो आप अपने चेहरे पर या हाथ पर जो है ब्लड का जो है सैंपल लगा सको। तो ये वाला मैंने लिया, इसको मैं चेहरे पर लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ठीक है, ये चेहरे के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहा, तो उसको मैं काट के स्टिकर पे जाके दूसरा वाला ले लेता हूँ, सिंपल वाला। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, मैं एक रफ़ आइडिया आपको बता रहा हूँ, आप रफ़ आइडिया से थोड़ा समझ जाना। तो यहाँ से ये वाला स्टिकर मैंने ले लिया है, फिर इसको चेहरे पर मैं सेट कर देता हूँ, आप भी इसी तरीके से इस चेहरे पर इसको सेट कर देना, जूम कर लेना फ़ोटो, तब जाके इसको अच्छे से सेट करना। ठीक है, इस स्टिकर को मैंने, आप देख रहे हो, मैंने अपने चेहरे पर सेट कर लिया, ताकि ये ब्लड मालूम हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो मैंने इसको सेट कर लिया। इसकी ओपेसिटी वगैरह भी आपको सेट कर लेना है, ओपेसिटी थोड़ा सा कम रखना, ताकि ये ब्राइटनेस मालूम ना हो उस फोटो की। ठीक है, ये मैंने ओके कर लिया, अब आप देख सकते हो ये लुक आ रहा है जैसे ब्लड वाकई में निकल रहा हो। तो इसी तरीके का आप जो है कोई भी सैंपल ले सकते हो। फिर आपको किलर टेक्स्ट सर्च करना है, ठीक है, स्टिकर पर जाके किलर टेक्स्ट ये लिखना है आपको, ये लिखोगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना साइज में, अब इस फोटो को आप ब्लेंड कर देना, ये फ़ोटो आपकी ब्लेंड हो जाएगी, मल्टीप्लाई पे जाओगे ये वाली फ़ोटो आपको ब्लेंड हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो है सेट हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है, और ये फ़ोटो आपकी लगभग लगभग तैयार है। अब इसमें एक दो काम और हैं, यहाँ पे आप इसको ओके कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद फिर यहाँ पर आना टूल्स पे, फिर एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका टेम्परेचर आप बढ़ा देना, इस पूरे फोटो का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर इसकी ब्राइटनेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ब्राइटनेस आपको अच्छी लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो मत करना। सो ये फ़ोटो आपकी जो है लगभग लगभग तैयार हो चुकी है। सो गाइज, इसी तरीके की फ़ोटो की अपडेट्स पाना चाहते हैं एडिटिंग की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और इस फोटो को आप बनाकर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।